बात नहीं है, चमकाने वाला तो चमकाएंगे ही, उनको रोक नहीं है, बिल्कुल खुला दरवाजा है, कोई भी कुछ बोल सकते हैं, किनको क्या कहेगा। वो सोनू बिहार में पूरे देश समेत हर जगह वायरल हुआ, वही सोनू आज बदल गया। देखिए लैपटॉप उनके सामने में है और लैपटॉप पे स्टडी करते हैं। एरन जो कि इंडिया का टॉप मोस्ट स्कूल है उसमें पढ़ाई करते हैं। जब गर्मी छुट्टी में आते हैं तो सोनू अपना काम जो है होमवर्क की बात करें या फिर जो भी चीजें हैं प्रॉपर वो यहाँ पे फोकस होकर काम करते हैं। तो एक बच्चे का जो चेंजिंग होता है कितना खास होता है वो अपने आप में दिखता नजर आ रहा है। यही आज सोनू मुखर नहीं होते, यही हिम्मत नहीं दिखाते तो सोनू को ये आज मुकाम नहीं मिलता। तो लैपटॉप पे भी स्टडी करते हो आप? ये जैसे एनसीईआरटी वाले जो भी रहते हैं ना, एलन का बुक, कभी कभी एलन प्लस, अच्छा। ये सभी इस पर मैं रखता हूँ। यानी कि आप एनसीईआरटी के मोस्टली चीजों को फोकस करते हो आप? नहीं, जैसे एलन का ही बुक रहता है, लेकिन अभी मैं जरा और चीजें इसमें देख रहा हूँ। सिक्स क्लास का रिवीजन चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर से लेकर। अच्छा, होमवर्क वगैरह मिले हैं आपको? हाँ, होमवर्क तो मिले। हाँ, उसको भी फोकस कर रहे हैं? हाँ। देखिए हमारे साथ सोनू बात कर रहे हैं और सोनू के चाचा हैं, तो सब इनसे बात करेंगे। अच्छा अच्छा, तो मतलब कि अब जो है लैपटॉप जिस तरीके से आपके पास है, क्या बिहार के हर एक बच्चों के पास लैपटॉप हो तो पढ़ाई कर सकता है? नहीं, अगर उनका वो काम अगर वो कर रहे हैं तब होना चाहिए। बिहार सरकार को चाहिए कि हर एक बच्चों को लैपटॉप मिले, जो बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं, कंप्यूटर सीखने वाले हैं। हाँ नहीं, उन लोगों को मिलना चाहिए, बाकी सब क्या फायदा, मिलना चाहिए ना। हाँ, जरूर। अच्छा, आप एनसीईआरटी अभी से ही प्रयास कर रहे हैं क्योंकि आपको आईएएस बनना है? अभी से ही, सिक्स क्लास से ही? तो बेसिक चीजें ही आती है। अच्छा, इंटरेस्ट किस में है? साइंस में है, मैथ में है, किस में है, बायो में है, किस में है? मेरा तो जो है सभी में रहता है वैसे। जैसे कि ओवरऑल? हाँ, ओवरऑल सब में मेरा। इसका मतलब आप आईएएस बनिएगा? हाँ, वो तो जो है ओवरऑल जिसमें हर लोग हर सब्जेक्ट में जिसको जो फोकस करते हैं वही तो आईएएस बनते हैं। क्योंकि आपको पता है आईएएस में कितने मार्क्स का एग्जाम है, होता है? हाँ, कितने मार्क्स का? मेरे ख्याल से 900 का या, हाँ, देखिए ओवरऑल होता है 1700 का समथिंग, ठीक है, 1700 का। 1700 पता है आपको, आईएएस बनने के लिए अभी से जो जर्नी शुरुआत होती है वो 8-9 से शुरू हो जाती है, आपको पता है? हाँ, इसीलिए तो मैं एलएन में क्या लगता है आपको? अभी मैं 7 जरूर पूर्णता मुझे एलएन वाले क्या है, आपको आईएएस के लिए अभी 9-10 से शुरू कर देंगे प्रिपरेशन का? हाँ नहीं, मतलब जो भी बेसिक चीजें हैं वो बताना शुरू कर। अच्छा, लाइफस्टाइल अच्छा है, क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल बदल गया है। हाँ। जिस माहौल में रहेगा उस माहौल में तो पलेगा ही ना। हाँ। इसमें कहना है क्या? हाँ। अब मान लीजिए पहले गांव में रहता था, गांव का पोजीशन के अनुसार चल रहा था, अब वह कि इंस्टीट्यूट में रह रहा है, एलएन में रह रहा है, तो एलएन के अनुसार चल रहा है, माहौल तो बदलना ही है। आज सोनू की बात करें तो बिहार के हर एक बच्चे जान रहे हैं चूंकि सोनू वायरल है, और वायरल इसलिए है कि सोनू ने हिम्मत दिखाया। यदि हिम्मत नहीं दिखाते सोनू तो आज सोनू नहीं होता। तो क्या कहिएगा इन तमाम बच्चों को सोनू के जैसे जो भी है? देखिए, सोनू पहले से ही थोड़ा सा ऊर्जावान था, बचपन से ही नटखट था और हमेशा नटखट करते रहता था। ऐसे भी मान लिया जाए गांव में 5 आदमी जहां जमा रहता था वहां पर ही कुछ ही बोलता था तो इसको बात को लेकर के थोड़ा सा एक तरह से हंसी मजाक उड़ाते रहता था, यानी खुश होता था। ये बच्चा ही नटखट है, शुरू से ही बोलने में माहिर था, इसको बातों को सब लोग आकर्षित करता था। और वही हुआ अंततः, इन्होंने मुख्यमंत्री के सामने अपना बात रखा जिसके कारण पूरे बिहार में पूरे देश में वायरल हो गया। आज उसका नतीजा है कि समझिए कि एलएन में इंस्टीट्यूट में इसका एडमिशन हो गया। लेकिन जो लोग कहते हैं कि हमने एलएन में इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराया, उनको क्या कहिएगा? मतलब कि सपोर्ट है, बोलते हैं कि सारा खर्चा मेरा होता है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। एलएन तक जाने में इसका कोई दूसरा हाथ या किसी का रोल नहीं है। एलएन खुद हमसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बात किए थे और उन्होंने इसको पढ़ाने के लिए हमसे मांग किए थे कि मैं इसका पढ़ाएंगे, मेरे पास भेज दीजिए, या भेज दिए वहाँ से एलएन से यहाँ तक हरनौत तक, यानी आए थे इसको ले जाने के लिए। तो जिस समय वायरल हुआ था उसी समय तो हमने उनसे कमिटमेंट किए थे कि हम एक बार एलएन अवश्य आएंगे, एडमिशन ले या ना ले, लेकिन कैंपस जरूर देखेंगे। सोनू अपने टैलेंट से गया था? हाँ, अपने टैलेंट से गया था। और जो खर्चे लोग कहते हैं कि हमने खर्चा कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने सोनू को यहाँ तक पहुँचा दिया, ना ना ऐसा कोई बात नहीं है। सोनू को वहाँ तक पहुँचाने में किसी का कोई रोल है नहीं। हमने इसको खुद अपने गाड़ी से ही इसको ले गए हैं साथ में, और एलन ही नहीं, मान के चलिए देश के लगभग 67 राज्य में ले गए हैं और समय भ्रमण करते हुए अंतिम निर्णय एलन में गए हैं। ठीक है, यहाँ से फिर पहले तो देहरादून गए,
देहरादून कासूल को भ्रमण किए, वहाँ का स्थिति मतलब ये तो अफवाह है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि हमने एडमिशन करा दिया एलएन में। ना ना कोई किसी ना ना गलत बात है, अफवाह है, इस सब अफवाह है, कोई कहीं एडमिशन नहीं करवाया है। जो भी कमिटमेंट एडमिशन में है डायरेक्ट एलएन का है और मेरे माध्यम से है। डायरेक्ट हमसे एलएन कॉन्टेक्ट किए थे और हमने एलएन तक इसको ले गए हैं, जाकर एडमिशन करवाए हैं। अच्छा, जो लोग चेहरा चमका रहे सोनू के नाम पे आकर के, इसका मतलब गलत है वो? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, चमकाने वाला तो चमकाएंगे ही, उनको रोक नहीं है, बिल्कुल खुला दरवाजा है, कोई भी कुछ बोल सकते हैं, किनको क्या कहेगा। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, इसका एलएन में एडमिशन का किसी को दूसरे थर्ड पर्सन को किसी को कोई हाथ नहीं है। इन्होंने एग्जाम दिया पास? नहीं, एग्जाम नहीं, डायरेक्ट वे में एलएन हमसे कॉन्टेक्ट किए, उसके कॉन्टेक्ट करने के बाद हमने एलएन तक इसको पहुँचाया। धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से अफवाहों का बाजार गर्म था पिछले साल और जिस तरीके से सोनू के नाम से सब लोगों ने अफवाहें उड़ाया, कई लोगों ने कहा कि हमने गोद ले लिया तो हमने एडमिशन कराया तो हमने सारा खर्चा कर दिया, हमने सोनू को हर तरह से हेल्प कर दिया, तो अब खुलासा हो रहा है, खुलासा इस बात को लेकर है कि सोनू अपने टैलेंट और अपने दम पे वहां तक पहुंचा और अपना संघर्ष करके पहुंचा, उसके बाद एलएन ने इसे ऑफर किया, एलएन ने इसे हर तरीके से प्रमोट किया और आज सारा चीज, आज एलएन इसके सारा खर्चा और आज टैलेंट के साथ साथ इसको पढ़ाई लिखाई करवा रही है। ऐसे में किसी व्यक्तिगत लोगों का हाथ नहीं था, ये अफवाह है और अफवाहें नहीं होनी चाहिए, सच्चाई निकल के सामने आनी चाहिए। और भी अपने से जुड़िएगा। धन्यवाद।